इस साल 2024 में पितृपक्ष बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संयोग वर्ष इस बार पितृपक्ष में दो दो ग्रहण लग रहे हैं। 18 सितंबर 2024 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगा तो वहीं अक्टूबर में इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ज्योतिषियों की माने तो पितृपक्ष पर ग्रहण का ये अशुभ प्रभाव चिंताजनक है। ऐसे में जानकार लोगों को संभल कर रहने की सलाह दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस बार दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा, भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा या नहीं और क्या इसका असर होगा। इस बार सितंबर में चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को सर्व पितृ अमावस्या पर लगेगा। ये वल्याकर सूर्य ग्रहण होगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से अशुभ घटना माना गया है। भारतीय समय अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:13 से लेकर मध्य रात्रि 3:17 तक रहने वाला है। मालूम हो कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। चूंकि भारत में ये ग्रहण रात में लगेगा इसलिए यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, साथ ही सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत को छोड़कर अर्जेंटीना, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, दक्षिणी अमेरिका, पेरू और फिजी आदि देशों में देखा जा सकेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा केवल सौर डिस्क का एक अस्पष्ट हिस्सा दिखता है, जबकि सूर्य का चमकता हुआ बाहरी आवरण एक रिंग की तरह दिखाई देता है। इस घटना को वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। 2 अक्टूबर को रात्रि के समय सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसका असर भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों की कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ और कोई मांगलिक धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है। कहते हैं कि सूतक काल के दौरान भगवान का नाम लेकर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होता है। वहीं सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।